किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो अपनी आदतें बदलें, और वही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। रॉक एफएम से मैं हूँ आरजी नीरज, और एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिन्हें पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अक्सर जंगल जाते थे, पशु पक्षियों से मिलते थे, उन्हें देखते थे। रोज की तरह एक दिन वो जंगल जाते हैं पशु पक्षियों से मिलने के लिए, तो अचानक से ही पूरे आसमान में बादल घिर जाती है और जोरों की बारिश होने लगती है, और बारिश इतनी जोर की होती है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने के बाद वो किसी तरह से जंगल के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका भूख और प्यास से हालत खराब हो जाती है। इसी क्रम में वो जंगल के किनारे पर ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कुछ देर बाद वो देखते हैं कि तीन बालक उनकी तरफ आ रहे हैं हंसते खेलते हुए। तो वो बड़े ही प्यार से बुलाते हैं, तो वो तीनों बच्चे हंसते खेलते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या हुआ आपको। वो महाराज कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी लगी है, क्या तुम मेरे लिए भोजन ला सकते हो। तो बालक कहते हैं बिल्कुल महाराज, हमारा घर पास में ही है, हम अभी गए और अभी आपके लिए भोजन लेके आते हैं, आप ज़रा सा इंतज़ार करें। वो बालक जल्दी से जाते हैं और दौड़ के भोजन लेके महाराज को देते हैं। महाराज वो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बालक तुम तीनों ने मेरा भूख और प्यास मिटाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनने के बाद तीनों बालक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मांगे राजा से। तो पहला बालक बोलता है कि महाराज मुझे बड़ा सा महल चाहिए और गाड़ियाँ चाहिए, क्या आप मुझे देंगे। महाराज ये सुनने के बाद कहते हैं कि बिल्कुल, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं बिल्कुल तुम्हें दूंगा। ये सुनने के बाद बालक बहुत खुश हो जाता है। तभी पीछे से दूसरा बालक कहता है कि महाराज मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, क्या आप मुझे ढेर सारा धन दे सकते हैं ताकि मैं भी अच्छा अच्छा खा सकूँ, अच्छा पहन सकूँ। ये सुनने के बाद महाराज बोलते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। ये सुनने के बाद बालक बहुत खुश होता है, उछलने लगता है। तो भला तीसरा बालक क्यों चुप बैठता। वह कहता है कि महाराज मेरा एक सपना है, क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बिल्कुल, मैं कौन सा सपना है तुम्हारा बताओ, क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए। तो बालक कहता है कि नहीं महाराज, मेरा शुरू से ही ये सपना रहा है महाराज कि मैं पढ़ लिख के विद्वान बनूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। तो महाराज ये सुन के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल बालक मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। वो बालक बहुत ही मेहनती होता है, वो दिन रात पढ़ाई करता है और अपने कक्षा में अव्वल प्रथम स्थान पाता है। दिन बीते जाते हैं और वो बालक पढ़ लिख के विद्वान बन जाता है, और एक दिन उसी राजा के महल में वो मंत्री बन जाता है। और जो बालक बड़ा सा महल और गाड़ियाँ मांगते हैं उनके साथ क्या होता है, एक दिन बाढ़ आने के कारण उनका महल और गाड़ी सभी पानी में बह जाते हैं। और जो बालक ढेर सारा धन मांगता है, जब उसके पास ढेर सारा धन आ जाता है तो वो आलसी हो जाता है, वो फिजूल खर्ची करने लगता है, वो धन बचा नहीं पाता, वो सारा खर्च कर देता है, और पड़ा हुआ धन कब तक बचेगा। एक दिन पूरा धन खत्म हो जाता है और फिर से गरीब हो जाता है। दोनों बालक थक हार के एक बार महल आते हैं और अपने दोस्त यानी कि उस मंत्री से मिलने के लिए। वो मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि दोस्त हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या हमें कोई सही रास्ता दिखा सकते हो तुम। अपने मित्रों को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास ढेर सारा धन है तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन अगर तुम शिक्षा हासिल करते हो तो वो तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बात समझने वाली है कि सिर्फ धन वाले लोग ही धनवान नहीं कहलाते हैं, बल्कि जिनके अंदर ढेर सारा शिक्षा है, जो शिक्षित है, वो भी बहुत बड़े धनवान होते हैं। ये सुनने के बाद दोनों मित्र समझ जाते हैं। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ढेर सारा धन है और आप उस धन का सही जगह उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो एक न एक दिन वो धन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप शिक्षा हासिल करते हो कहीं से तो शिक्षा आपके अंदर हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हर शनिवार सुबह 10 बजे सुनिए एक नई कहानी रॉक एफएम पे। चलिए आज दिल की सुनते हैं। धन्यवाद।